मेरा रोज़ाना बड़ा दिल करता है मैं इस तरह कैमरा खोलूं, कोई काम ना करूं, सिर्फ आपसे बातें करता जाऊं, आपको अपनी दास्तानें सुनाता जाऊं, कुछ भी है मैं कैमरा खोलूं और बातें करता जाऊं। मेरा यकीन करें रोज़ाना बड़ा दिल करता है और इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद उस्मान, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत मज़े के अंदर होंगे। यार आज की जो हमारी वीडियो है ये एक व्लॉग नहीं होगा, व्लॉग इस वीडियो के बाद हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली आप लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, आप लोगों से बातें करूँगा, अपने चैनल के बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद मेरी बातें सुनते जाएँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बातें करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। बेसिकली यार ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है ना, इसमें बड़े सारे फॉल्ट्स हैं, बड़े सारे मसले में है। पहला सबसे मेन मसला पता है क्या, मसला ये है कि यार जब भी कोई बंदा हमसे पूछता है ना, वीडियो बनाते हुए देखता है, फिर पूछता है आप यूट्यूब पे काम करते हैं, फिर हम बताते हैं जी हम यूट्यूब पे काम करते हैं, तो अगला बंदा फिर पूछता है नाम, फिर जब हम नाम बताते हैं कि बूगी बॉयज, तो वो फिर स्पेलिंग्स के बड़े इशूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने ये सोचा कि जब भी हम इंट्रो करेंगे पहले आप लोगों को स्पेलिंग्स बता दिया करेंगे, ताकि जो भी नए आने वाले हैं सबको स्पेलिंग्स याद हो जाए। बेसिकली ना ये बूगी बॉयज़ का जो मतलब है ना, वो बड़ा अच्छा सा मतलब है, वो मैं यहाँ आपको बता दूंगा, सारा कुछ इधर ही बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, आप खुद जाएं गूगल पे लिखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बूगी एंड देन यू विल नो डैट के हमारे नाम का जो है वो मतलब क्या है। सही है, ये तो हमारे नाम की जो है छोटी मोटी बातें वो हो गई। बेसिकली आज आपने देखा ना, मैंने थोड़ा सा इंट्रो जान के अंदर किया, थोड़ा सा एनर्जी के साथ किया। उसकी वजह पता है क्या, मैं घर में इस तरह का इंट्रो नहीं कर सकता। अगर मैं घर में इस तरह चीख के या इस तरह बोलूँगा ना, तो घर वाले समझेंगे कि पता नहीं शायद इसका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। तो इसलिए मैं बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, घर में आपने देखा मेरे व्लॉग्स, तो बड़े इत्मीनान से इंट्रो करता हूँ। तो कुछ किया करूँगा कि मैं जितना अच्छे तरीके से उसे कर सकूँ। बेसिकली हमारा जो चैनल बनाने का मकसद क्या है, एक्चुअली हम यार चाहते हैं कि हम जिस तरह आजकल आपको पता है महंगाई हो रही है और बड़े सारे मसले मसाइल हमारे माशरे में जो है वो चल रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम YouTube पे अगर काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को एंटरटेन कर सकें, महसूस कर सकें। आप हमारी 4-5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो देख के अगर आपका कोई लम्हा खुशगवार गुजरता है तो हमारे लिए ये बड़े ही ऑनर की बात है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दें, अपना डेली व्लॉग बना रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से जो है वो एंटरटेन करने की कोशिश करें आप लोगों को। बाकी इंशाल्लाह ड्रीम्स और जो है गोल्स इस चैनल को लेके हमारे बहुत सारे हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ हम पूरे करते जाएंगे। वो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम नहीं कहते कि हमें ओवरनाइट ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं होता किसी भी काम के अंदर। आप यूट्यूब पर आते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ों का मेल है। तो ये चैनल मुश्तमिल है मुझ पर और मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और दूसरा एक अदद और मेरा पार्टनर है जिसका नाम है मोहम्मद आशिम, जो कि मेन करेक्टर है, मेन की रोल है इस चैनल का। आप सब वाकिफ़ हैं उससे। बेसिकली हम डेली व्लॉग्स बना रहे हैं इसके ऊपर राइट नाउ, क्योंकि आप नए हैं आपको नहीं पता, बाकी पुरानी ऑडियंस जो है वो हमारी बिल्कुल महदूद सी और बड़ी एजुकेटेड है आपकी तरह। तो ये है कि हम यहाँ पर डेली व्लॉग्स बना रहे हैं, सही है। तो अब कोशिश यही है कि यार आगे रेगुलर कॉन्टेंट बनाएँ। रेगुलर कॉन्टेंट बनाने में ये है कि आपने देखा हमारे जो पिछले व्लॉग्स हैं डेली जो अगर हम बना रहे हैं ना, तो एक एक करके चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। मेरे बाजू स्पीड होने लग गई, एक सेकंड बाजू चेंज कर लिए। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यार हम डेली अगर बना रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही हैं, तो इसलिए अब कोशिश यही कर रहे हैं कि यार डेली बनाएं। या तो व्लॉग मैं बना लिया करूँगा, कभी हाशिम बना लिया करेगा, लेकिन आपके लिए वीडियो रोज़ाना कम अज़ कम एक वीडियो लाजमी आया करेगी। उससे ये है कि हमारी इंट्रैक्शन ज़्यादा होती रहेगी, आप हमारे बारे में मज़ीद जान सकेंगे, सही है। उसके अलावा हमें यार पैशनेट मेनली जो है वो हम एक्टिंग के हवाले से हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स इन आवर सेल्व्स, लेकिन मसला पता क्या है, हम वो उस तरह से शो केस नहीं कर पाते जब भी कैमरा सामने आता है, या उस तरह से अपने आप को वो दिखा नहीं पाते, हमसे हो नहीं पाते। द रीज़न इज़ कि हमारे पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस लेवल का ना, या उस तरह से हमें वो आर्ट अपना डिलीवर करना नहीं आता। तो मेनली रेगुलर कंटेंट बनाने का ये भी मकसद है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो किसी हद तक बेहतर होता जा रहा है। और अगर आपसे रेगुलर इंटरेक्ट करेंगे तो एक हमारा फ्रेंडली माहौल बन जाएगा, फैमिली वाला सिस्टम बन जाएगा, तो बड़ा फिर इजी हो जाएगा आप लोगों से इंटरेक्ट करना, अपने वो उसको स्किल्स को शोकेस करने में ना बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
मैं करेक्टर में आना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सीरियस होकर आपसे बात करूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि बंदा सीरियस है। तो ये है, बाकी ये है कि आप लोग जो हैं वो सपोर्ट करते रहें, सारी बात है, सपोर्ट करेंगे तो हौसला बढ़ता है। हाँ, एक मेन चीज़ जो मैं सुबह से यही सोच रहा था कि जब मैं कैमरा खोलूँगा आपसे करूँगा, मेन चीज़ ये है कि यार जब भी मैं कोई व्लॉग अपलोड करता हूँ, कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे आती है, तो मेरा ये कंसर्न नहीं होता कि आप उसे लाइक करें शेयर करें। मैं अगर लेट्स सपोज मैंने वीडियो अपलोड की है फिर उसकी स्टोरी स्टेटस लगाया, लोगों को बताया कि यार आप लोग देखें, तो मेरा यही कंसर्न होता है कि यार वहाँ पर कमेंट्स करें मेरी गलतियों को, हमारी गलतियों को पिन पॉइंट करें कि यार ये चीज़ को इस तरह नहीं, इसे ऐसे कर लो, ये बेहतर हो जाएगा, ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं आप लोग, ये कर लें वो कर लें, योर सजेशंस, बिकॉज आप ही मेन पॉइंट हैं इस चैनल का, आप एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अगर आप नहीं हमें बताएंगे तो किस बंदे ने बताना, किसी ने भी नहीं बताना, नो बडी इज हियर टू हेल्प अस। थोड़ी अच्छी इंग्लिश है वैसे। अच्छा, तो ये है कि मैं कह रहा हूँ कि कमेंट्स किया करें, अभी भी ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, कमेंट्स करें कि यार आपने ये बात इस तरह की है, आपका ये एंगल नहीं सही, आप इस चीज़ को ऐसे बेहतर कर सकते हैं, ये इंप्रूव कर सकते हैं, कैमरा में इंटरेक्ट करके बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे पता है मैं बात कर रहा हूँ, अलॉट ऑफ मिस्टेक्स और देर बातें करते करते ना, तो इसे इंप्रूव कैसे करना, हमें हमारे पास बहुत महदूद सा इल्म है, बहुत ही ज़्यादा, तो जब आपके पास जो है इल्म वो शेयर करें, आप बताएं कि यार इन चीज़ों को इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो जब आप बताएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और हम जो है वो ग्रो करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ। सही, बाकी एंटरटेन करने के लिए जो भी हमसे होगा हम लाजमी करते रहेंगे। एक और चीज़ ये है कि मेरा रोज़ाना बड़ा दिल करता है मैं इस तरह कैमरा खोलूँ, कोई काम ना करूँ, सिर्फ आपसे बातें करता जाऊँ, आपको अपनी दास्तानें सुनाता जाऊँ, कुछ भी है मैं कैमरा खोलूँ और बातें करता जाऊँ, मेरा यकीन करें रोज़ाना बड़ा दिल करता है। और इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। फिर वही बात आ गई कि अगर आप कमेंट करते हैं, कहते हैं कि यार हमसे बातें किया करें सारे काम छोड़ के, लाइक दिस जिस तरह इस वीडियो में हुई हैं, तो ऑब्वियसली हम करेंगे और लाजमी करेंगे। सही है, और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं सारा दिन हर व्लॉग में आज हमने यहाँ जाना है, आज वो करना, ये करना, वो जारी बात है, फिर लाइफ है, काम तो होते हैं, वो करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों से इंट्रैक्शन बड़ी ज़रूरी है, आप लोगों को अपने दिल की बात बताना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, अपनी इंट्रैक्शन नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी वो फैमिली वाली बॉन्डिंग नहीं आएगी। तो मेन चीज़ है बॉन्डिंग बनाना आप लोगों से, और आप लोगों ने भी बनानी है बॉन्डिंग। सो यही थी आज की यार ये छोटी सी वीडियो, मुझे पता है इतनी लंबी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने बातें की हैं, ये सारी बातें दिल की हैं। सही है, और इंशाल्लाह आप लोगों से जो भी आगे बातें होंगी वो करते रहेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें काइंडली। सही है, इंशाल्लाह एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को अपने डेली कंटेंट से, किसी भी तरीके से, व्हाट एवर द कंटेंट विल बी, वी आर गोइंग टू एंटरटेन यू गाइस। तो वी विल मेट इन नेक्स्ट व्लॉग जो कि आज शाम को आ जाएगी, मैं अभी 10-15 मिनट लगने हैं इस वीडियो का, आपको पता है फ़िल्टर ही लगाना है, रंग शंग से साढ़ा काला ही, तो उसे फ़िल्टर लगा के जस्ट हल्की सी बेसिक सी एडिटिंग करके मैं से अपलोड करने लगा हूँ आज शाम को, या मे बी कल सुबह जो है वो वीडियो आएगी, चविंडा वाले व्लॉग जो है वो हमारा अगला नेक्स्ट बनना है, बड़ा मज़ेदार होगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, टिल देन, अगली वीडियो के टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।